हेलो दोस्तों, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनीस किचन पर। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन पूरी, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने घी गर्म कर लिया है, फिर मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार। हमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि ये नमकीन पूरी है। और यहाँ पर मैंने आधा कप गर्म घी डाला हुआ है, गर्मा गर्म घी डालना है हमें इसमें। और अब हम इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। घी गर्म है इसलिए हमें चम्मच से मिक्स करना है, फिर मैं हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घट आटा गूंद लेंगे। हमें ज़्यादा घट भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम गूंदना है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे गूंद लिया है। थोड़ा सा घी लगाकर अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये सूखे ना, और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट के बाद ये कैसे नरम हो गया है। देखिए अब हम इसे अच्छे से नरम कर लेंगे। पहले देखिए मैंने इसे अच्छे से नरम कर लिया है। अब हम इसकी, जैसे हम चपाती बनाते हैं हमें वैसे इसकी चपाती बनानी है। चपाती से थोड़ी जाड़ी हम इसे बना सकते हैं, न ज़्यादा जाड़ी बनाना है न ज़्यादा पतला बनाना है। देखिए मैं इसे बना रही हूँ। एक साथ ऐसे चार चपाती हमें इसकी बना लेनी है। देखिए इतनी जाड़ी होनी चाहिए। देखिए मैंने बना लिया है चार चपाती। अब हम चपाती पर अब हम ऐसे घी लगा लेंगे। देखिए मैंने घी सारी तरफ फैला लिया है। वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो इसलिए मैंने इसे फास्ट किया है। देखिए अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और फिर एक चपाती रखेंगे। ऐसे ही हम चार लेयर बना लेंगे इसकी, एक के ऊपर एक, धीरे धीरे घी और मैदा लगाते हुए। मैंने इसे चार लेयर बना लिए। देखिए तीसरी लेयर है। अच्छे से घी फैला लेना है और फिर सूखा मैदा डालते हुए फिर एक चपाती इसके ऊपर डालनी है। देखिए चौथी लेयर कंप्लीट हो गई है। सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। देखिए अब हम इसे धीरे धीरे रोल करना है। देखिए हमें इसे धीरे 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 टाइटली रोल करना है कि ये खुले ना। देखिए मैंने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। रोल करने के बाद हम इसे पूरी के जैसे रोल होते हैं वैसे मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए एकदम छोटे छोटे वाले रोल कट कर लेने हैं हमें। देखिए मैंने धीरे धीरे करते हुए सारे रोल कट कर लिए हैं। ज़्यादा जाड़ी हमें नहीं कट करना चाहिए, पूरी जितनी होती है एकदम छोटी वाली। ऐसे पतले पतले रोल मैंने कट कर लिए हैं। देखिए मैंने सारे रोल कट कर लिए हैं। अब हम इसकी पूरी बेलेंगे। पूरी बेलते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी लेयर बन रही है। देखिए अगर वो खुल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अंदर घी लगाया हुआ है, तो आप उसे वापस से सीधा कर सकते हो। देखिए खुल भी जाएगी तो भी वो चिपक जाएगी वापस जब हम इसे बेलेंगे। तो अब हम इसे तल लेंगे। देखिए धीरे धीरे करते हुए हम इसे तल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ही रखना है, वाइट गोल्डन रखना है। देखिए मैं इसे धीरे धीरे करके तल लूँगी। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे हमें इसे तलने में। देखिए इसे धीरे धीरे तल लेंगे हम। देखिए दोनों तरफ अच्छे से तल लेंगे। जैसे जैसे हम इसे तल लेंगे तो इसकी लेयर खुलने लगेगी। देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे मैं सारी पूरियां तल लूँगी। देखिए कैसे गोल्डन हो चुके हैं। देखिए ये हमारी नमकीन पूरी हो चुकी है तैयार। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, एकदम स्वादिष्ट लगते हैं चाय के टाइम पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।